देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल हैं। इंसान तो गर्मी से बचने के लिए कई उपाय कर लेता है, लेकिन ये बेजुबान अपनी तकलीफ जाहिर नहीं कर सकते। ऐसे में गर्मी के दिनों में कई पशु पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं। गुजरात के राजकोट में जैतपुर के गाँव नवी सांकड़ी के निवासी भगवान जी भाई ने ऐसी पहल की जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है। इन्होंने बर्ड्स के लिए शिवलिंग के आकार का विशाल आशियाना बना दिया है, जहां पक्षी अब आराम से आकर आराम कर सकते हैं और दाना पानी की व्यवस्था भी उनके लिए इसी में की गई है। जी हां, 2500 मटकों के जरिए शिवलिंग स्वरूप में पक्षियों के लिए ये बसेरा तैयार किया गया है। ये 40 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा है। इसकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ 10,000 से ज्यादा पक्षी हर मौसम में सुरक्षित रह सकते हैं। अब पक्षियों के इस आशियाने में हमेशा चहल पहल रहती है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। यहाँ आकर वो भरपेट खाना खाते हैं। यहाँ कई तरह के पक्षियों की भीड़ लगी रहती है, जिनमें ज्यादा संख्या में कबूतर रहते हैं। यहाँ पक्षियों की किलकारी गूंजती रहती है, जो कानों को सुकून देती है। इस बर्ड हाउस को पक्षियों का 5-स्टार होटल कह दें तो गलत नहीं होगा। अगर हर गांव शहर में ऐसी पहल की जाए और पक्षियों के लिए इस तरह के आशियाने बनाए जाएं, तो विलुप्त होते जा रहे कई पक्षियों को आसानी से बचाया जा सकता है। भगवान जी भाई की कहानी जानने के बाद ये लगता है कि आज के समय में जब लोग एक दूसरे की फिक्र नहीं करते हैं, उस समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन पक्षियों की रक्षा करने, इनके जीवन को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके हैं। भगवान जी भाई को उनके इस समर्पण के लिए सलाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।